मजदूरी करने वाले युवक को उसके तीन साथियों ने 4,000 रुपये के लिए सिर पर डंडे मारकर वार किया है। पहले 3 दिन शव को घर पर रखा गया और उसके बाद उससे बिंदाल नदी में लाल पुल से नीचे फेंक दिया गया। शव ठिकाने लगाने के लिए तीनों आरोपियों ने स्कूटर भी चोरी किया था, जिसमें से एक आरोपी स्कूटर चोरी और दूसरा नशा तस्करी में जेल जा चुका है, जबकि तीसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि 30 सितंबर को लाल पुल के नीचे शव बरामद हुआ था। 2 अक्टूबर को भाई ने शिव कुमार के शव की पहचान की। शिव कुमार दून में कई वर्षों से काम कर रहा था, उसका मोबाइल नहीं मिल रहा था, लेकिन आज जैसे ही उसका बंद मोबाइल चालू हुआ, इसके बाद लोकेशन के आधार पर आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। साथियों ने बताया कि वो नशा करने के आदि थे, साथ में बैठते थे और किसी बात को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर इनके पुराने वहाँ झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान ही तीनों ने मिलकर उसको एक साजिश के तहत उसको डंडे से उसको वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी डिस्पोज करने के लिए उनके द्वारा एक स्कूटी चोरी की गई और लाल पुल के नीचे गाली कटी हुई है, वहाँ से डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। तो इसका जो मोबाइल था विक्टिम का, जो मृतक है, वो भी बरामद कर लिया गया और इनसे जो 2 अभियुक्त हैं उनका भी पुलिस PCR में या जुडिशियल परमिशन लेकर उनको भी बयान दर्ज किए जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी।